बनाएंगे तवा फिश फ्राई। उसके लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। ये है फिश के पीसेस, रेहू के हैं। ये है चना भुना हुआ, हल्दी, मिर्ची, नमक, ये लहसुन, ये नींबू, सरसों तेल और ये कसूरी। तो सबसे पहले हमने इसको, मैंने पहले ही धो के रख लिया था, तो इसमें अब हम बारी बारी से मसाला रखेंगे। सबसे पहले हम ये भुना हुआ चना, तो बेसन है ये, हम डाल देंगे। उसके बाद ये हल्दी डाल देंगे, मिर्चा डाल देंगे, ये नमक डाल देंगे और ये जो लहसुन है इसका आधा लहसुन हम मिक्सी में पीस लेते हैं, फिर इसमें मिलाएंगे। तो देखिए ये लहसुन मैंने पीस लिया है और हम इसमें डाल देंगे। इसमें आप थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, इससे स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम थोड़ा सा ये काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा ये बस थोड़ा सा ही है सरसों तेल, ये हम सारा डाल देंगे। और लास्ट में हम ये नींबू डालेंगे। दिया न जाए ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी तैयार होती है और मेरी ये पहली नॉनवेज रेसिपी है। प्लीज़ अगर कोई गलती होगी तो अवॉइड कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं आगे से ध्यान रखूँ। आप ही लोगों के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो ऐसे ही सपोर्ट आप देते रहिए। ये लीजिए, अब मैं इसको अच्छे से सब पे लपेट और इसको कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ना। ये देखिए मैंने सब पे मसाले की कोटिंग बढ़िया से कर दी है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। हमने तवा चढ़ा दिया है और इसमें हम पहले ये सरसों तेल, रिफाइन, इसमें भी आप लोग बनाना चाहें, इस तवे को पूरा इससे आप पहले चिकना कर लीजिए और धुआं उठने तक आप इसका इंतज़ार करेंगे। तब तक हम उधर देख लेते हैं कि फिश के पीसेस मैरिनेशन के बाद कैसे लगते हैं। ये देखिए मसाला पूरा अच्छे से इसमें लिपट गया बढ़िया से, 2 से 2.25 घंटा इसको हो गया। सबको एक बार और अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए हर एक मसाले को यूज कर, ये देखिए धुआं निकल रहा है। अब हम इसको इस साफ कपड़े से पूरा पोंछ लेंगे। अब हम इस पे फिश को रखेंगे। अच्छी आ रही है और ये इम्यूनिटी बूस्टर खाना भी है।
हो उसको एकदम कम आंच पर छोड़ देंगे। देखिए बिल्कुल कम आंच पर ही इसको छोड़ देंगे। धीरे से पहले इसकी सतह को पकने देंगे। मैं चेक कर रही हूँ कहीं चिपक तो नहीं रहा, ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। चलो हम इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि नीचे की सतह बिल्कुल बढ़िया से ला लें। इसको पलट देते हैं। प्रोसेस तवा वाला मुझे फ्राई से ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें कम तेल लगता है और चीज़ अच्छे से ध्यान देने से अच्छे से ये पक जाता है। और फिश जो है मस्टर्ड ऑयल में सबसे बेस्ट स्वाद आता है उसको। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, इन सभी में फिश को मस्टर्ड ऑयल से प्रिपेयर किया जाता है। क्या कलर आया है इसको देखिए, इसको लाजवाब सा कलर। बस इसको यूं ही धीमी आंच पे अल्टी पल्टी हम लोग करते रहेंगे और जब दोनों सतह बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी, करारी हो जाएगी, तब हम इसको उतार देंगे। चलिए हम अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम इस पे ये चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। ये पतले पतले प्याज, और ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस। तो ये देखिए हमारी तैयार हो गई है तवा फिश फ्राई। ज़रूर से बनाइए, खाइए, खिलाइए, और अभी जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें ये बहुत इम्यूनिटी का काम करेगी। थैंक यू फॉर